अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मी चौक लाहौर में और हम आए हैं माशाल्लाह चिकन कढ़ाई पे। वैसे तो अगर आप लक्ष्मी चौक में आएँ तो तकरीबन जितने रेस्टोरेंट हैं वो सबका यही दावा होता है कि हम असल बट कढ़ाई हैं और इधर बट के नाम से काफ़ी कढ़ाई हैं। लेकिन मैं इसलिए ज़रा बट से हट के किसी नाम से आया हूँ कि ये बट कढ़ाई नहीं है, ये है माशाल्लाह चिकन कढ़ाई। तो इनको टेस्ट करते हैं कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि चिकन आपके सामने तोलते हैं, तो मैं चिकन तुलवाता हूँ और आपको वो भी दिखाता हूँ और फिर जब खाना बन के आएगा तभी टेस्ट करेंगे कि कैसा है। एक किलो 200 ग्राम कर दें। पूरी मुर्गी है? पूरी मुर्गी, हाँ फिर कर दें। हाँ बहुत ज़बरदस्त, पूरा चिकन ही तुलवा लिया। 1 किलो 200 ग्राम सर जी, काली मिर्च में बन जाएगी? बस ठीक हो गया सर, दम काली मिर्च में ज़रा बनाइए। टाइम लगता है इसमें, फ्रेश बनाते हैं आपके सामने। नहीं ऊपर अच्छा जनाब, ऑर्डर हमने करवा दिया है, 1 किलो चिकन कढ़ाई करवाई है, मुर्गी 1 किलो तो थोड़ी सी ज़्यादा थी, मैंने कहा चलो वही कर दें, सिर्फ कढ़ाई कराई है क्योंकि हम इधर फर्स्ट टाइम आए हैं। ज़ाहिर है पहले टेस्ट चेक करेंगे कि इनका टेस्ट अच्छा है, कढ़ाई अच्छी हुई तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होंगी तो फिर बाकी चीज़ें भी ट्राई करेंगे। फिलहाल कढ़ाई देखते हैं कैसी है। ऑर्डर करा दिया, अब ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, देखें कब तक बन के आता है। 20 से 30 मिनट का कह रहे हैं, बनाते फ्रेश हैं आपकी आँखों के सामने। अच्छा इनका व्यू अच्छा है, इधर से पूरा लक्ष्मी भी नज़र आता है और ये इनका कुकिंग सेक्शन है जहाँ पे कढ़ाई बन रही है। सामने बट कढ़ाई ऑपोजिट है ये लक्ष्मी का। जनाब पानी पी रही है। अच्छा देसी मुर्गा बड़ा ताकतवर होता है, अपने कदमों पे खड़ा रहता है, मतलब जो ब्रायलर होता है वो ज़्यादातर अपने कदमों पर नहीं खड़ा होता। नहीं जनाब, कढ़ाई हमारी तैयार होना शुरू हो गई है और वो इस साइड से नज़र आएगी ये। अच्छा खाना तो आप कहीं भी खा लेते हैं, लेकिन अब लक्ष्मी पे जब भी आते हैं जितने भी लोग आते हैं वो खाने के साथ साथ जो ये लाइवली किस्म का कल्चर है ना, ये भी इंजॉय करने आते हैं। जो मेन्यू पे प्राइस लिखी है आपने वही पे करनी है। अगर कोश इलाके के रेस्टोरेंट में चले जाएँ टैक्स अलग पे करना पड़ेगा, प्राइस अलग होगी, इधर ऐसा नहीं है। रोटी जो है वो पर हेड के हिसाब से मिलती है, वो भी जब ऑर्डर सर्व होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, हमेशा की तरह सबसे पहले रायता सर्व हो गया, यानी रायता आ गया और रायता काफ़ी गाढ़ा है इनका, और ये आ गया सलाद। फ्रेश सैलेड है, सिंपल सा, बस मूलियाँ, गाजरें, कीड़ा और 1.5 लीमू, इसमें टमाटर, एक इनकी आलू बुखारे और पता नहीं इमली की चटनी भी आई थी, वो 190 की थी, वो मैंने वापस कर दी। या फिर कढ़ाई भी आ गई, वो आ गई है, कढ़ाई आ गई है और कढ़ाई से धुएँ उठ रहे हैं पूरी तरह से। कढ़ाई की शक्ल तो अच्छी है वैसे। अच्छा जनाब, ये रोटी भी आ गई है गर्मा गर्म और ये पर हेड के हिसाब से है, 70 रुपये पर हेड है, जितनी मर्जी 70 रुपये में खाएं। चलो आजीवा, मेरा भी खाना भी डल गया, धुएं तो उठ रहे हैं, खुशबू अच्छी आ रही है, टेस्ट करके देखते हैं कैसा। रायते से मैं बड़ा इंप्रेस हूँ, रायता काफ़ी गाढ़ा है, तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि है कैसी है। बूटियाँ ज़्यादा ही गल गई हैं, छोटी हो गई हैं पकते पकते। खैर टेस्ट अच्छा है, टेस्ट वाकई अच्छा है, मज़ेदार है। अच्छा भजन, एक बात तो मैं बताना चाह रहा था कि क्वांटिटी पूरी है, ये वाकई 1 किलो 200 ग्राम है, हमने अच्छी खासी कढ़ाई डाली है, उसके बावजूद आगे ज़्यादा पड़ी है तो साफ पता लग रहा है क्वांटिटी इनकी माशाल्लाह पूरी है। इसके अलावा सलाद में मैं 21 दाना भूल गया, मैंने प्याज का जिक्र ही नहीं किया, ये वाइट वाइट सा प्याज भी है,
तो सलाद की क्वांटिटी भी अच्छी है, रायता पूरी तरह गाढ़ा है इनका, और कढ़ाई का टेस्ट वाकई बड़ा अच्छा है। एक बात इनकी बड़ी अच्छी है कि रोटी जैसी ठंडी होती है, रोटी उठा के ले जाते हैं और तंदूर से निकली बिल्कुल जो गर्मा गर्म फ्रेश रोटी होती है कड़क सी, वो ला के रख देते हैं। रोटी गर्मा गर्म आती जा रही है और हम खाते जा रहे हैं। अच्छा जनाब, खाना हम खा चुके हैं और मुझे लाजमी कहना पड़ेगा कि अब तक की चंद वन ऑफ द बेस्ट कढ़ाई जो है एवर आई टेस्ट, और मुझे कढ़ाई इनकी बड़ी पसंद आई है। इनकी कस्टमर सर्विसेज भी बड़ी अच्छी थी, शुरू से लेकर अब तक इनकी कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी रही हैं। कढ़ाई की क्वांटिटी बड़ी आला थी, हमने पेट भर के खाया, उसके बावजूद बच गई, हमने पैक भी कढ़ा लिया और ये पैक भी पड़ी हुई है जो बची थी, और रोटी गर्मा गर्म थी, रायता बड़ा गाढ़ा था, तो मुझे तो बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट लगा है। माशाल्लाह चिकन कढ़ाई इसका नाम है, लक्ष्मी चौक पे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जनाब सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है खाने के बाद बिल, वो आ चुका है, 2520 रुपये का बिल बना है और बिल मुनासिब है मेरा ख्याल है। चिकन का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से अनलिमिटेड रोटी रायता सैलड वगैरह के साथ पानी भी, तो ठीक है 2500 रुपये के बिल में एक फैमिली पेट भर के रोटी खा सकती है, तो इट्स ओके। जो इनका टेस्ट था वाकई बड़ा अच्छा था, सर्विस बड़ी अच्छी थी, तो मस्ट ट्राई करने वाली चीज़ है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरा नाम कासिम निसार है और मैं आपसे मिलूँगा किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।